एक कहावत होती है कि लड़की घर बनाती है, बट यहाँ पे लड़की घर दिला भी रही है लोगों को। The progress that has been made in women equality is that we have shifted from home to the office. That is the main reason that today people are recognizing women as they are, they are accepting them as they are. The woman is independent right now in her own way, and she can survive each and everything. She can take her own decisions by her own self. अगर जेंडर इक्वलिटी की बात कही जाए तो वुमेन्स मेन से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इक्वली कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। Now women get equal opportunity in society and have rights to choose their decisions, what they want to do, where they want to go and where they want to live. अभी वुमेन्स को फ्रीडम मिले कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रह सकती है और बहुत कुछ अचीव कर सकती है। जिसके देखा जाए तो स्काई सिटी में भी अभी वुमेन्स को पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, उनकी सेफ्टी, उनका कंफर्ट पहले हम देखते हैं और उनको फ्रीडम भी दी गई है कि वो अपने ओपिनियंस और अपनी बात हमारे सामने प्रेजेंट कर सके। थैंक यू। वुमन्स इक्विटी बद्दल बोलू तर रिअल इस्टेट एक असा मार्केट होता की जिकडे 50% वुमन काम करत होते आणि 50% मेल काम करत होते। आताच्या प्रोग्रेस मध्ये तुम्ही बघतील तर रिअल इस्टेट मध्ये 75% वुमन काम करत आहे आणि 35% मेल काम करत आहे। सो आतापर्यंत हा एक प्रोग्रेस झालेला आहे वुमन्स इक्विटी मध्ये। कि पहले वुमन्स बाहर नहीं निकलते थे, बट अभी के टाइम पे वो ऑटो, बस, ट्रेन, ये सारी चीजें वो चलाते, से पायलट वगैरह हो गए, ये सारे मोस्टली अगर देखेंगे तो अभी के टाइम पे वुमन्स ही ज्यादा सब चीजें ये स्टार्ट कर रहे हैं। वो वुमेन इक्वालिटी पे जो हमने प्रोग्रेस देखा है पास्ट ईयर्स में, आप हमारी टीम को लेके ही देख लीजिए। यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि एक कहावत होती है कि लड़की घर बनाती है, बट यहाँ पे लड़की घर दिला भी रही है लोगों को। बैंक का प्रोसीजर्स से लेके क्लाइंट को कन्विंस करने से लेके उनका मतलब एक किसी और को भी घर वो दिला रही है, उसका सपना पूरा कर रही है।